फोर अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट स्वामी विवेकानंद। नंबर वन, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनका बचपन में नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और इनके जन्मदिवस को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। नंबर टू, स्वामी विवेकानंद जी के पिता की मृत्यु के बाद स्वामी जी का जन्म गरीबी में बीता। उस समय उनकी माँ और बहन को हर एक दिन के खाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। कई बार तो स्वामी जी दो दो दिनों तक भूखे रहते थे ताकि परिवार के अन्य लोगों को भरपेट खाना मिल सके। नंबर थ्री, एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए जहाँ उनके स्वागत के लिए कई लोग आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी से हाथ मिलाने के लिए स्वामी जी की तरफ हाथ बढ़ाया और इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। वहां मौजूद लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आती है, तो उनमें से एक व्यक्ति ने उनसे हिंदी में पूछा कि आप कैसे हो। तब स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन थैंक यू। यह सुनकर सभी लोगों ने आश्चर्यचकित होकर स्वामी जी से पूछा कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में आंसर दिया, इसका क्या कारण है। तब स्वामी जी ने कहा कि जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था और आपने जब मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। नंबर फोर, स्वामी विवेकानंद जी को 31 बीमारियां थीं और स्वामी विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि वे 40 वर्ष की एज तक नहीं पहुंच सकेंगे और उनके यह बात तब सच साबित हो गई जब उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को 39 साल की उम्र में तीसरी बार दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो गई।